Good morning, friends. Today we are going to study the last topic of this chapter, that is managerial response to changes in business environment. अब तक हमने पढ़ा कि business environment बहुत ही dynamic nature का होता है. ऐसे environment में survive करने के लिए एक organization को बहुत quickly response करना होता है. अब यह कौन से रिस्पॉन्स है जिन्हें अडेप्ट करके एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता है. द फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता. जब कोई इंडिविजुअल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेस्टमेंट गुड्स या सर्विसेज में वैरायटीज ऑफर करते हैं तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट लाइन में सिमिलर प्रोडक्ट्स ऐड करती है या न्यू मार्केट में एंटर करती है तो उसे कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अ फर्नीचर स्टोर कैन परचेज अ न्यू फर्नीचर स्टोर इन अनदर सिटी टू एक्सपांड इट्स बिजनेस. A mobile company started manufacturing mobile accessories also. That is example of related diversification. The second is unrelated diversification. जब कोई business organization अपनी product lines में new addition करती है, new product lines add करती है, तो उसे कहते हैं unrelated diversification. For example, a shoe manufacturer started manufacturing clothes also. Other examples are Amazon and Reliance Industries. They have different varieties of product lines. So they have unrelated diversification. The second is joint venture with multinational corporations. Joint venture मतलब जब दो या दो से ज्यादा individuals या business organizations साथ में मिलकर investment और business करते हैं तो उसे कहते हैं joint venture. आजकल इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करती है ताकि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और वीकनेस दूर हो. वह बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस और अनसर्टेनिटीज को फेस कर सके. फॉर एग्जांपल, जगुआर एंड टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा विथ फोर्ड, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited is also example of joint venture between ICICI Bank and UK-based Prudential Corporation Holding Limited. The third is acquisition and merger. Economic reforms LPG के बाद हमें India में बहुत से examples acquisition और merger के देखने के लिए मिलते हैं. Acquisition में एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड मिंत्रा, एडोब एक्वायर्ड मार्केटो फॉर डॉलर 4.75 बिलियन, सिस्को एक्वायर्ड डियो सिक्योरिटी. नाउ मर्जर. मर्जर में दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया सेल्यूलर इज एग्जाम्पल ऑफ मर्जर. The fourth is use of modern technology. Tough competition होने के कारण organizations latest technology use करती है ताकि उनकी cost कम हो और product की quality improve हो. IT sector में तो technology बहुत जल्दी जल्दी change होती है, इसलिए mobile, computer, laptop manufacturers हमेशा upgraded technology use करते हैं ताकि उनका product market में survive कर सके. The next is brand building. अपने प्रोडक्ट को मार्केट में establish करने के लिए, अपनी ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करती है. बहुत सी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करती है, प्रमोशन कॉस्ट बहुत ज्यादा स्पेंड करती है ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करे, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो. फॉर एग्जाम्पल, LG, Samsung, HUL, Coca-Cola company spends lot of money to popularize their brand. The last is customer orientation. जब यह producers market था तब producer अपनी इच्छा से कोई भी product manufacture करता था और वह आसानी से market में sale हो जाता था. लेकिन अब market customer oriented market, buyers market बन चुका है.
इसलिए प्रोड्यूसर को अब कस्टमर की नीड और वांट पेइंग कैपेसिटी पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और फिर वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने कस्टमर केयर आईडी टोल फ्री नंबर्स दिए हैं। वह हमेशा मार्केट सर्वे करते रहता है ताकि उनके कस्टमर्स उन्हीं का ब्रांड परचेज करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ अ मैनेजर रिस्पॉन्सेज टू एग्जिस्ट इन दिस डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।